जी बिल्कुल, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने ऐलान किया है और कल हम बाकायदा बलूचिस्तान की जानिब रवाना होंगे। आपने कुछ दिन पहले यूनिट लेकिन इस्लामाबाद गए जहाँ पर आपने वहाँ पर अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी नोटिस नहीं किया जिसपे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की आपको इग्नोर कर रही है, इस पेज में आप किस तरह से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्या आपके पास पर कोई अटेंशन देगी? देखिए हम अभी भी रास्ते में हैं और हमने मुसलसल तौर पर इनको थ्रू रिपोर्ट्स ये भेजा है और उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी फॉलो अप मीटिंग्स भी हो सकता है कि हम आने वाले महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फॉलो अप मीटिंग्स भी करेंगे जिनमें यूएन के एचआरडी डिपार्टमेंट्स के जो सरबराहान है वो हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट में है कि जिस तरह इस पूरी तहरीक में जो पुरअमन सियासी वर्करान थे या पुरअमन जो लोग मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, जिस तरह उनको हरासा किया जा रहा है उनकी रिपोर्टिंग भी वो मुसलसल तौर पर खुद भी कर रहे हैं और हमें भी ये कहा गया है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसानी हकूक के अदारे जब एक रियासत और उसकी पूरी मशीनरी एक पुरअमन तहरीक को कुचलने पर तुली हुई है तो वो बाकायदगी तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तहरीक की आवाज बने और इस तहरीक में उनको जो क्रैकडाउन का सामना है रियासत की जानिब से उसको रोकने में हमारा साथ दें। देखिए हम मुसलसल तौर पर कह रहे हैं कि हम एक पुरअमन सियासी तहरीक लीड करें और हम आज भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात रियासत और उसके अदारों से फिर से हम अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात आइनी है, जायज है, आप उनको एक्सेप्ट करें। और इतने दिनों के दौरान हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम गए वो भी नहीं माना गया, उसके बाद भी हमें हरासा किया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इतना बड़ा इशू है, इतनी बड़ी तहरीक उठी है, पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो नोटिस लेना चाहिए था। अगर वो सू मोटो नोटिस लेकर एंड इम्पोज डिसअपीयरेंस का कहते और ये पैगाम देते या ये फैसला लेते कि जितने लोग जो है ना जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं उन सबको अदालतों में पेश किया जाए, या बालाज का वो केस जो आज भी पेंडिंग में पड़ा है जो शट एंड डाउन केस होना चाहिए था क्योंकि उसको दौरान हिरासत मारा गया, उसका अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ है? और वो अदारे वो डेथ स्क्वाड जो हमारी नस्ल खुशी में डायरेक्ट मुलविस है वो अभी तक दिन दहाड़े फिर क्यों रहे हैं और वो अभी तक हमारे सामने बैठे, इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए था। और हम फिर भी इसी उसके साथ उम्मीद के साथ हम बार बार इन्हीं अदारों से ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें और इतनी बड़ी जो नस्ल खुशी हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि 5 फरवरी को कश्मीर के नाम पे आवाम निकलती है, इसके साथ साथ फलस्तीन की बहुत ज्यादा बात की जाती है। हमने देखा कि जिस तरह से बलोचिस्तान से लोगों ने यहाँ पे बहुत पुरअम तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो पूरे पाकिस्तान को कश्मीर नजर आता है, फलस्तीन नजर आता है, लेकिन बलोच क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए इसकी बुनियादी वजह यह है कि नफरतों के बीज बोए गए हैं, एक तासुबाना रवैया अख्तियार किया गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज जब कोई बलोच तलबा रेड जोन से शायद रेड जोन से होते हुए यहाँ आ रहा था तो उसको सिर्फ इसलिए हिच किया गया कि आप बलोच है, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये वो रवैया है जो हम बताना चाहते थे, जिसके तहत हमारी शिनाख्त कोई मसख करके, हमारी शिनाख्त कोई एक एज अ जुर्म साबित करके लाया गया है, जिसके तहत एज अ बलोच आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। हम भी इसी रवैये के खिलाफ निकले हैं, हम भी इस हम फलस्तीन के मजलूमों के साथ भी हैं, हम कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उनकी तहरीक के साथ भी हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर खासकर पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक के अदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो सियासतदान है, जो पार्टियां हैं, वो बलोच नस्ल खुशी पर भी लपकुशाई करें, वो कब तक खामोशी इख्तियार करेंगे? और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, जो इम्पोज डिसअपीयरेंसेस है, उन पर भी बात होनी चाहिए। देखिए एंगेजमेंट ये एक प्योर तौर पर अवामी तहरीक है, हमने शुरू दिन से कहा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल किसी सियासी एजेंडे के साथ नहीं आए हैं। जो भी तंजीमें हैं, जो भी पार्टियां हैं, या उनका फर्ज बनता है कि वो अवामी मैंडेट, जो अवाम का मेन मसला है, जो लाखों लोग निकले हैं सड़कों पर, उनको इस चीज को खुद कंसिडर करवाना चाहिए। और हमने शुरू दिन से ही ना सिर्फ बलोचिस्तान में, जब से हम वहां से निकले हैं हमने बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान की भी हर आवाम से, हर पार्टी से यही गुजारिश की है कि इस तहरीक की आवाज बने
और इस तहरीक को आगे लेकर जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे एक अफसोस भी हो रहा है कि इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है लेकिन किसी सियासी पार्टी की जानिब से, किसी विफाकी पार्टी की जानिब से इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पर बात ही नहीं की जा रही है, ना ही एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स पे बात की जा रही है। और बलूचिस्तान भर में जो एक पुरअमन तहरीक को क्रश करने के लिए हजारों की तादाद के लोगों पर FIRs दर्ज किए गए हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, वीडियोज मौजूद है, या इवन दो जो ये सियासी पार्टियां जो 21 दिसंबर में हुआ औरतों और बच्चों को मारा गया, रिपोर्ट करने के इतने सारे शवाहद मौजूद थे, क्यों किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया? डॉक्टर साहब एक सवाल लीजिएगा कि आप वहां से चली, जैसे कि आपने बताया भी है कि पूरा मन तहरीक रही, खवातीन भी इसमें हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल है, और आप यहाँ पे भी बैठे रहे, पूरा अमन तरीके से बैठे रहे, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक लगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नारे भी लगे जो बतौर पाकिस्तानी नहीं लगने चाहिए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हम यहाँ पे हमारी तहरीक में सबसे बड़ा नारा तो शायद यही होगा कि तमाम लापता अफराद को रिहा करो, और वो अदारे जिसमें अगर आप कह सकते हैं CTD वो हमारे इसमें भी मौजूद है, CTD खुद CTD के ऊपर मुतहद FIRs हो चुके हैं, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए, उस पर HRCP ने भी बहुत से रिपोर्ट्स पेश की गई कि CTD पोस्टली डिसअपीयर्स जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रही है, उस पर मुतहद FIRs है, आप जाके रिसर्च करें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस पर FIRs लगाए गए हैं, सेशन कोर्ट में इस पर FIRs लगाए गए हैं, और जो बलोच स्टूडेंट्स की जो जिबरी गुमशुदगी थी जिसका केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, इस पर कमेटी भी बनाई गई, और उसने बाकायदा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बलोच तलबा की जिबरी गुमशुदगी में CTD नामी अदारा मुलविस है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जितनी तहरीक है उसमें जितने नारे लगे हैं, मैं नहीं जानती आप किस नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक इंसानी मसले को लेकर हम यहाँ आए हैं, और कुछ नारे शायद हम नहीं समझते, यहाँ कोई ऐसा नारा लगा है जो रियासत के खिलाफ है, हम स्टेट के से ही मुतालबा करने आए थे, स्टेट हमारे खिलाफ है, हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम स्टेट के उन बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप जी सवाल आपसे ये है कि अभी आपने बताया कि आप जो है फेज 5 में एंटर हो रहे हैं, तो जो फेज 5 है उस पर कम्पेन का आगाज आप प्रॉपरली बलोचिस्तान से करेंगे, लेकिन फेज 5 में ऐसा आप क्या नया करेंगे, क्योंकि 60 दिन तो आपको इस्लामाबाद में होंगे और सारे ही नाउम्मीद मायूस होकर लौट रहे हैं, तो बलोचिस्तान में फेज 5 का क्या आगाज है, और इस कम्पेन से ये जो आप मिसिंग पर्सन को जो डिमांड करी है उस कम्पेन को मतलब कितना शिद्दत मिलेगी बलोचिस्तान से, क्योंकि आपने कहा कि फेज 4 देखिए एज अ सियासी वर्कर हम हमेशा पर अमन रहते हैं, और एज अ सियासी वर्कर हमें पता है कि सियासत जो है ना एक लंबा प्रोसेस है, इसमें मुसलसल तौर पर आपने आवाम को मोबिलाइज करना है, उनको इंगेज करना है, सबसे बड़ा जो वो है मिसिंग पर्सन की तहरीक को जस्टिफाई करने के लिए जो डेटा है उसको मसख किया जाता है, लोगों को और खानदानों को डराया जाता है, हमारा जो फेज 5 होगा बलूचिस्तान पूरा जो है ना जबर का शिकार है, लेकिन आज तक कोई उनके पास गया ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है कि पाकिस्तान की जो अदारे हैं वो बलूचिस्तान में किन जंगी जराइम में मुलविस है, हम उनको ताकत देंगे, ये हमारी तहरीक तमाम लापता अफराद के साथ रियासती हर जबर के खिलाफ होगी, हम अपने लोगों को हौसला देंगे, अपनी इस तहरीक को और मुनज्जम करेंगे, और बलूचिस्तान भर में जो लोग हमारे लिए निकले थे हम उनका हौसला बनेंगे और इस तहरीक को और स्ट्रेंथन करेंगे, जितनी फैमिलीज यहाँ आई है उससे हजारों फैमिलीज बलूचिस्तान में जिनको अभी भी डराया जा रहा है, हम उनके घर जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, अपने इंदराज का अमल भी और ज्यादा करेंगे। मैडम ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की है उसमें बहुत काफी दुनिया को एंगेज कर आप बलोचिस्तान जाकर बलोचिस्तान और इस वक्त रोजगार तालीम पानी सारे बुनियादी हकूक के बगैर रह रहे हैं, वो सूबे में ज्यादातर लोग इसके खिलाफ रह रहे हैं, आप गुमशुदगियों के अलावा किस तरह के बुनियादी हकूक का भी मुतालबा कर सकती है, इसको एक सियासी तहरीक जी बिल्कुल हमारी तहरीक बलोचिस्तान कमेटी गुज़श्ता 4 सालों से इसी चीज पर भी काम करती आई है, हमने रोजगार के ऊपर भी बात की है, हमने जो बलूचिस्तान में हर तरह का जो जबर है उसके खिलाफ भी हम बात करें, बिल्कुल जिसमें आप देखें कि आम लोगों को रोजगार के फराम नहीं किए गए हैं, आम लोग जिनको तालीम की सहूलियात फराम नहीं की गई है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उन सब पर हम उनकी आवाज बनेंगे, जो एक जेन्युइन एक तहरीक होती है जो आम लोगों की हमारी आवाम की जो डिमांड है हम उस आवाज को तवाना करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है और बलोच आवाम किस तरह जिंदगी के
एक कॉमन सेंस है कि राइट टू लिव इज द बिगेस्ट राइट, लेकिन और भी ऐसे राइट्स हैं जो वहां पे मसख किए गए जिनका किसी को अंदाजा नहीं है कि वहां क्या क्या हो रहा है। लोग अगर आप अंदाजा लगाएं, इन ये जो खानदान मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं इनके हाथ में जो तस्वीरें हैं ना उसके अलावा उनके पहनावे को देखें, उन्होंने उधार ले लेकर वो यहाँ तक पहुंचे, उनसे उनके इलाके के बारे में पूछे उनका रोजगार क्या है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना रोजगार छोड़ कर यहाँ आए और वो बोल रहे हैं हम डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी जमीनें बर्बाद हो गई। राइट टू लिव इज द बिगेस्ट राइट, लेकिन और भी राइट्स है जो वहां पे नहीं मिल रहे लोगों, हम उनको भी ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसी अवामी तहरीक होगी जो अवाम की मसाइल को पुरअमन तरीके से लेकर आएगी, वो मसाइल जो कभी रियासत से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं वो कभी नहीं लाते हैं, और जो बलूचिस्तान में होने वाले जितने मजालिम हैं, जितनी इस्तेसाल हो रहा है, जितनी महरूमियां हैं वो कभी आती ही नहीं है, हम उनको भी सामने लेकर आएंगे और रियासत और उसके अदारों को बार बार ये यकीन दहानी कराएंगे कि बलूचिस्तान में रेकोडिक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में सीपैक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में लोग भी रहते हैं, वो लोग जो 75 सालों से आपकी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो लोग जो 75 सालों से जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों से आए मिले उनसे पूछे कि वो अपनी जमीन में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी चटरती सर्दी में जब आप लोग अपने एक कमरे में 4-4 हीटर लगाते हैं ना, वहाँ बलूचिस्तान में लकड़ियां नहीं है, वो गैस जो यहाँ तक आती है ना वो गैस वहाँ नहीं है, 1956 से जहाँ से वो निकल रही है वहां पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, वो वहां पर भी नहीं है। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना, वो सैंधक जिसके सोने से आपके, मैं बोलती हूँ हम एक पुरअमन सियासी तहरीक है, लेकिन सैंधक के बच्चों को पढ़ने का भी तो हक है ना, सैंधक में एक अस्पताल भी तो होना चाहिए ना, सैंधक के बच्चे जो है ना वहां पढ़ सके ताकि वो तालीम हासिल कर सके, जो बुनियादी जरूरियात है इंसानों की, जो किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरियात है वो तो उन्हें मिल सके ना। यहाँ पे जितने आए हुए लोग हैं वो हैरान है कि ये क्या, ये हमारा मुल्क है इस्लामाबाद, ये वो हैरान है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं मौजूद है। इनमें से ऐसे लोग हैं जो मैं आप सबको, जो भी बलूचिस्तान पर जो एक टूरिज्म एग्जिस्ट करती है पूरे पाकिस्तान में, और शायद मैं और हम बलोच लोगों को शायद बलूचिस्तान में घूमने फिरने की आजादी नहीं है, कोई भी अगर सच जानना चाहता है ना, मैं आप सबको दावत देती हूँ अपने तौर पर एक मतलब बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को देखिए, वहां रहने वाले लोगों को देखिए कि कैसे पत्थर के जमाने में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ यहाँ पे लोड शेडिंग 1 घंटे होती है तो यहाँ तहरीकें चलती है, वहां हमारे लोगों को 1 घंटे की बिजली भी मुयसर नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर दुनिया इस चीज से उभर चुकी है कि वेदर से कोई मरे, लेकिन हमारे लोग एक्सट्रीम ऑफ वेदर से मर रहे हैं, सर्दी से मरते हैं हम लोग, गर्मी से मरते हैं, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, कैंसर के नए वेराइटीज आ रहे हैं बलूचिस्तान में, इस पर किसी ने तहकीक की, इस पर किसी ने बात की, इस पर कोई हेडलाइन ब्रेक हुई कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है, किसी ने नहीं की। कोलरा वो बीमारी है जिस पानी नहीं है पीने का, पानी जाए गवादर की आप इतनी बात करते हैं, वहां उसकी तहरीकों को देखिए, वो बुनियादी सहूलत पानी के लिए भी उन्होंने धरने दिए हैं कि हमें पीने का पानी दिया जाए, पीने का पानी हमें दो, हम बलूचिस्तान वाले मर रहे हैं पानी के लिए, प्यास से हमें पीने का पानी दो। तो ये वो चीज है जो कभी मीडिया में नहीं है, जिसको हमेशा निगलेक्ट किया गया, और एक तासुबाना 75 सालों से रियासती मशीनरी ने सिर्फ और सिर्फ ये इसी चीज पर अपनी वो, अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर इस 60 दिनों के दौरान आपने अपनी पूरी तवानाई इस चीज पर खर्च कर दी कि मिसिंग पर्सन नहीं है, काश आप अपनी पूरी तवानाई में से 1% इस चीज पर खर्च करते कि आप इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करते ना, तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक एक करके सबसे पहले मैं भी यहाँ साहिबा ये बताइएगा, मतलब जिस तरह आपने गुर्बत की बात की, वाकई गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कोई लीडर बनते हैं तो सवाल उठते हैं, और मुबैना तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वारंग बलोच साहिबा बैरूनी दौरे भी करते हो, और किसके फंडिंग के ऊपर करते है, सवाल उसका है हमारे धमकी दिया, मैं इस सवाल का जवाब जरा दीजिएगा मैम, ये बैरूनी दौरे के हवाले से साथ इसका भी एक सहाफियों से भी सवाल है, वो ये है कि मुर्तजा सोलंकी जो वफाकी वजीर है उनकी जानिब से हमने उन्हें रابطہ किया, उन्होंने कहा कि अभी तक BYC ने अपने जब भी हमारी जो कमेटी है वो गई, उन्होंने अपने मुतालबात हमारे सामने नहीं रखे, तो क्या हालिया दिनों कल या परसों या आज हुकूमत की जानिब से क्या आपको दोबारा से रीच आउट किया गया या आपने मुतालबात अपने दोबारा से रखे?
हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखे हुए हैं। हमने पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स को हमने अपने मुतालबात की एक कॉपी दी हुई है। हम शुरू दिन से अपने मुतालबात पर ही कैंपेन कर रहे हैं और हमारे पास अभी मेरे पास बैग में लिस्टें पड़ी हुई है, कोई आए ये सारी मीडिया मौजूद है यहाँ पे, कौन आया है, किसने हमें अप्रोच किया है कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। और एक बात मैं वाजिया कहना चाहती हूँ, क्या हम यहाँ पे पूरी बलोच तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे उभरी हुई है, और जो भी बात होगी वो यहाँ पे होगी। कोई आना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, आप सबसे पहले उनसे ये पूछे कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए रेडी थे तो आप इन 60 दिनों में आपने इस तहरीक को वायलेंस के जरिए कुचलने की क्यों कोशिश की। कल परसों एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी बात हुई जो आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू नाफिज किए। और जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है और जिस तरह इस तहरीक से जो वो लोग जो इस तहरीक की हिमायत में निकले उन पर दर्जनों FIR दर्ज किए गए हैं। मिसिंग पर्सन यहाँ फैमिलीज मौजूद है, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस दार में उन पर FIR दर्ज किया गया है। संजीव जी तो ये होनी चाहिए ना कि आप मसाइल को हल करने में अगर संजीदा है सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करें। अगर मुर्तजा सोलंकी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि पुराने हुकूमतों ने अगर कुछ जिबरी गुमशुदगी की है तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी उनकी निगरान हुकूमत के दौरान भी बलूचिस्तान से जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा हुए हैं। नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें गवादर से 15 साल का नौजवान बाराच अभी भी गुमशुदा है, उसको कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो सबसे पहले उसको तो रोके, सबसे पहले उसे रोके। और बालाच बलोच का कत्ल आपकी निगरान हुकूमत के दौरान ही हुआ, उसके कातिलों को सजा तो दे। वो CTD जिसने बालाच बलोच को मारा उसको लाए कटड़े में अपने, हम हिसाब किताब नहीं करेंगे। हमारा यकीन तो आपकी रियासती अदालतों से है, हम आपको बोल रहे हैं अपने CTD को अपने अदालतों में पेश करें, उसने जो जंगी जराइम किए उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको अकाउंटेबल करे कि किस तरह एक बंदा जो इन्फोर्समेंट डिसअपीयर था जिसको अदालत में पेश किया गया। और उसके अगले दिन आपको ये भी बताता चलूं कि उसके अगले दिन पूरे बलूचिस्तान की वकला ने बायकॉट किया कि एक बंदा जो हमारे सामने अदालत में पेश हुआ, दो दिन के बाद आपने उसकी लाश फेंकी कि वो दौरान हिरासत जो वो एक दहशतगर्द था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संजीदगी दिखाने के लिए जिस तरह 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को कुचला गया वो सबके सामने सबूत है। निगरान हुकूमत या जो भी है उसको सबसे पहले जो है ना इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं इन सब का, अगर आपके पास आपकी रियासत के पास सारा डेटा है, आप एक एक फर्द को जो मौजूद है यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की शिकार फैमिली उनको फोन करके आरासा कर सकते हैं कि आप उनके लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ये संजीदगी है। देखिए मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि मुझ पर हमेशा यही इल्जाम लगाए गए हैं और मैं इन तमाम इल्जाम की तरदीद करती हूँ। और मैं किसी भी बैरूनी दौरे में नहीं गई हूँ, कोई ऐसा दौरा जो मशकूक हो जिसको रियासत को लगता हो कि मैं किसी ऐसे दौरे में गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हम उस तहरीक को यहाँ लेकर आ गए हैं जो बलूचिस्तान के लोगों की पूरी तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है। मैं यहाँ इन लोगों की, इन खानदानों की आवाज बनकर आई हूँ। अगर रियासत मेरी किरदार खुशी के बजाय इन लोगों की बात सुनती, क्योंकि ये आपके सिटीजन है, आपने पूरी एक तहरीक को लाखों लोगों को दहशतगर्द करार देने में अपनी मशीनरी खर्च कर दी और आज जो है ना आप जो है ना इस तहरीक से मुंसलिक हर एक शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम उस तमाम इल्जाम की तरदीद करते हैं। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम अपना पैगाम सबसे पहला हमारा रियासत से ही डिमांड था, हमारे लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, खुदारा पेश करो, अपने आईन को इज्जत दो, अपने कानून को इज्जत दो, लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मत मारो, ये इंसान है। कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? सबसे पहले आप खुद देखें, जब आपके इस्लामाबाद से साफी हजरात को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपीयर किया जाता है, तो ये रियासत किस शक्ल में कह रही है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है ही नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन की चीज को देखिए कि कैसे नहीं है। हम तो यहाँ आपके पास सबूत लेकर आए हैं, ये सारे खानदान है, एक एक का एक एक करके मैं अगर बोल भी दूं, एक एक करके आप सबको, इन सबको सूली में भी चढ़ाए ना, ये बोलेंगे कि आपने इनके प्यारों को अगवा किया है। कोई माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए जो इतने सालों से इंतजार कर रही है वो कभी नहीं कहेगी कि नहीं तुमने मेरे प्यारे को नहीं उठाया। जेन्युइन वॉइसेस जो है वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती है कि जो आपकी बात कर सके। हमने देखा है कि कोई भी बात नहीं करता। इस वक्त आप अगर इनकी जेन्युइन वॉइस बन रही है तो क्यों ना आप पार्लियामेंट में आए, सियासत में आए, कि जिससे पता चले कि आप हकीकी तर्जमानी भी करें और पावर कोरिडोर में बैठ के अपने किरदार की बात करें।
देखिए पार्लियामेंट मैं नहीं कहूंगी ये, मैं इतनी बड़ी ना हस्ती हूँ ना रहूंगी, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ और इन माओ और इनकी आवाज बनी हुई हूँ और आगे भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं सबसे पहले वो हमारे लिए आवाज उठाएं, हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे मौसर आवाज ये अवामी ताकत है, हम यहाँ पर भी अपने लोगों की आवाज बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मेरा पार्लियामेंट में जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, अपने लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, उस जबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस पर हमेशा सियासत हुई है, जेन्युइन बात नहीं हुई है और हकीकी बात कभी सामने नहीं लाई गई, हम उस हकीकी बात को आगे लाएंगे। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बलूचिस्तान है और वहाँ पे हम अपना अपनी सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के सामने। नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल होपफुल है, हम शुरू दिन से निकले थे, हमने कहा था हम रियासत और उसकी मशीनरी के को बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया, उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुँचाया जो कभी उन्हें पहुँचाया नहीं गया था। हम पहले धरनों में बैठते थे, अर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माइंड इनके हाथों में ये तस्वीरें ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे, जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं, हम यहाँ पे हमने सर्वाइव करके दिखाया, हमने सर्वाइव करके दिखाया। और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीके नहीं उठेंगी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है वहाँ पे, वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है और उसने ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने की धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये माओ की कामयाबी है, ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत नहीं उठाए, कोई नहीं मानता था, आज जो है ना आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब कल हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे, ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है जहाँ पे आपके कर्नल और जनरल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं वहाँ इंसान भी रहते हैं, उन वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या क्वेटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है, लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खत्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशियत चल रही है और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके कैप्चर सेल्स में और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं, वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदा रामी जीने का हक दिया जाए, वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं और विटनेस रहे पूरा पाकिस्तान, विटनेस रहे इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे वो विटनेस रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है और अगर हम इस ठंडी सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे, देखिए बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है वो आप सबको बता सके। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।